और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त किसानों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड की फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत 2,282 पैक्स को 1,128 करोड़ रुपए की लोन स्वीकृत किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वे कृपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्तीय सुविधा का शुभारंभ करें। हमने सपना देखा है किसानों की आय दोगुनी करने का, आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा है। आत्मनिर्भर सिर्फ एक शब्द नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश और देशवासियों के हित में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत व निर्भर कृषि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत 4 सालों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 2020 से 21 में 10,000 करोड़ और आने वाले वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। साथ ही 7 वर्षों के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी की सुविधा दी है। इस योजना पर सभी बैंक्स MOU साइन करके योजना से जुड़ चुके हैं। ऋण देने वाले इन बैंकों के लिए क्रेडिट गारंटी सुविधा का प्रावधान भी किया गया है। इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए किसान भाइयों को उत्पादों को सही दाम पर बेचने की आजादी और आय का स्थिर साधन मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस योजना के तहत नाबार्ड 2020-21 के दौरान 5,000 करोड़ रुपए के रियायती ऋण देगा। केंद्र शासन द्वारा दिए जाने वाली ब्याज सब्सिडी तथा नाबार्ड द्वारा दिए जाने वाले रियायती ऋण के फल स्वरूप प्राथमिक कृषि ऋण समितियों अर्थात पैक्स को केवल 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा। इस योजना को मंजूरी 8 जुलाई 2020 को दी गई थी। एक महीने के भीतर ही नाबार्ड ने 2,280 से अधिक कृषि संस्थाओं के बीच लगभग 1,000 करोड़ रुपए की ऋण व्यवस्था की है। भारत सरकार की ये योजना जहां किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी, वहीं उनकी आय दोगुनी और खुशियां चौगुनी करने में भी मदद करेगी। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत। महोदय आपका बहुत धन्यवाद। अब हम कर्नाटक राज्य चलते हैं, जहां माननीय प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए हासन जिले के उगेन कृषि सहकारी साख समिति पैक के सदस्य उपस्थित हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपके संबंध में, आपकी संस्था के संबंध में, आपके काम के संबंध में जानना चाहूंगा। ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೊಡಿ। ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವೇಗೌಡ, ನಾನು ಉಗನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। ನನ್ನ ಸಂಘವು 44 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ। 29 ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ 2,300 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಘ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ನನ್ನ ಸಂಘದ ವಹಿವಾಟು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50 ಕೋಟಿ ಇದೆ।
नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम बसवे गौड़ा है। मैं उगन पैक्स जिला हासन कर्नाटक राज्य का सदस्य हूँ। हमारा पैक्स 44 ईयर्स बैक फॉर्म किया है। ये 29 गांवों को 2300 किसान फैमिली को सहाय दे रहा है। हमारा पैक्स का एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ है। खेती क्या करते हैं आप लोग? खेती ये कृषि मार्तिरा मक्का मक्के जोड़ा है, शुंठी आलू गड्ढे अड़के इतर बड़े ना मारते हुए मक्का सुपारी, मैं ठीक समझ रहा हूँ ना कंडर को? यस सर। आप सभी को क्यों लगा कि इस प्रकार का समूह बनाना चाहिए, विचार कैसे आया? ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ತರಹ ಸೊಸೈಟಿನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿತು? 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ